को ये इत्तला दी जा रही है कि कल 1 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक फिर से एक बार हम लोगों के वार्ड 43 में वोटर आईडी कार्ड का काम शुरू होने जा रहा है। जिन लोगों ने भी अभी तक वोटर आईडी कार्ड का अप्लाई नहीं किया हो या कलेक्शन का काम नहीं करवाया हो, वो जरूर से जरूर मोहम्मद जान हाई स्कूल मोतीसिल में पहुँच कर अपने वोटर आईडी कार्ड का काम करवा लें। नया अप्लाई करना हो वो भी हो जाएगा, कलेक्शन करवाना हो वो भी हो जाएगा, और अगर किसी को नाम कटवाना है जो लोग दुनिया से हो गए हैं वो भी वहां रहता कायम कर सकते हैं, या कलेक्शन का जो काम हो वो भी करवा सकते हैं। एक जरूरी ऐलान हरन भाई पटलाइन के लोगों के लिए, ये एक सुनहरा मौका है उनकी हबील अजीज काउंसिलर मोहतरमा आयशा कनीज जी की तरफ से। आप तमाम लोगों को ये इत्तला दी जा रही है कि कल 1 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक फिर से एक बार हम लोगों के वार्ड 43 में वोटर आईडी कार्ड का काम शुरू होने जा रहा है। जिन लोगों को नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो या एड्रेस चेंज करवाना हो, वो लोग मोहम्मद जान हाई स्कूल मोतीसिल में पहुँच कर रब्ता कायम कर सकते हैं। आपकी खिदमत के लिए आपकी हबील अजीज काउंसिलर मोहतरमा कनीश जी और आपके हबील अजीज सामाजिक कारकुन जनाब इरफान अली ताज की पूरी टीम वहां मौजूद रहेगी। अपने साथ अपना जरूर डॉक्यूमेंट्स ले जाना ना भूलें। जिन लोगों को नया वोटर आईडी कार्ड का अप्लाई करना हो उसके लिए आपको फॉर्म 6 लेना होगा, करेक्शन और एड्रेस चेंज के लिए फॉर्म 8 लेना होगा, फॉर्म 6 के लिए जरूर डॉक्यूमेंट्स आपको लाना साथ में लाजमी है, जैसा कि आपका एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, वालदेन का वोटर आईडी कार्ड और एक कॉपी फोटो अपना साथ लाना ना भूलें। फॉर्म 8 के लिए आपको एड्रेस प्रूफ और अपना पुराना वोटर आईडी कार्ड और एक कॉपी फोटो साथ में लाना ना भूलें। और जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अगर उनका नाम आप कटवाना चाहते हैं तो उनके लिए डेथ सर्टिफिकेट और पुराना वोटर आईडी कार्ड साथ लाना ना भूलें।